गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में लेसन टू तक कंप्लीट कर लिया था, लेसन थ्री तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें आगे का काम करना है। आज हम लोग आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेसन फोर, विच इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, ये आपका लेसन फोर है जिसका नाम है सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, तो ये जो सिंगुलर प्लूरल प्लूरल है, इसको पहले हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। देखो, अगर कोई भी चीज़ अगर एक है तो वो सिंगुलर है, और अगर वो ढेर सारी है तो वो प्लूरल है। ठीक है, अगर ये देखो, ये वन, ये पेंसिल वन है, केले है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और ये अब क्या हो गई, टू पेंसिल हो गई, तो ये प्लूरल हो गई, है ना। टू हो जाए, थ्री हो जाए, फोर हो जाए, है ना, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, और अगर एक अकेले है तो वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, चलिए आप भी पहले आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, है ना। तो हम लोग पहले कॉपी पे लिखेंगे, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। ठीक, चलो करेंगे क्या, सबसे पहले ऊपर लेसन फोर लिखेंगे, यहाँ पर ये लेसन फोर, फिर हेडिंग डालेंगे चैप्टर का नाम, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक, सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर सिंगुलर नाउंस। देखो, ये नाउंस की बात होती है, नाउंस ही होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो व्हाट आर सिंगुलर नाउंस, नाउंस दैट शो वन ऑफ समथिंग, कोई भी चीज का एक अगर शो करे, आर कॉल्ड सिंगुलर नाउंस, उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे बुक, एक बुक है, ऑरेंज एक्सेट्रा, कुछ भी, और भी बहुत सारी, मैंगो हो सकता है ना, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर से देखो, व्हाट आर सिंगुलर नाउन, नाउन्स दैट आर शो वन ऑफ द समथिंग आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स, लाइक बुक, ऑरेंज एक्सेट्रा। ठीक है, अभी आप इसको क्या करोगे, नोट कर लो, लिख लो, वीडियो पॉज भी कर सकते हो। अगर मान लो आप धीरे धीरे लिख रहे हो, देख देख कर वीडियो पॉज करके रोक दो और उसको नोट करो। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर प्लूरल नाउंस। अब सिंगुलर की बात कर लिया, प्लूरल की बात करें, नाउंस दैट शो मोर देन वन, एक से ज़्यादा अगर शो करेगा, आर कॉल्ड प्लूरल नाउंस। ठीक, प्लूरल नाउंस यूजुअली एंड इन एस और ई एस। देखो, प्लूरल नाउंस में क्या होता है, नाउन के एंड में या तो एस लगा होगा या ई एस लगा होगा, है ना। लाइक जैसे वहाँ पर देखो, बुक सिंगल था, तो यहाँ बुक्स ढेर सारी हो गई। वहाँ ऑरेंज सिंगुलर में, ऑरेंज में आगे देखो एस नहीं लगा था, इसमें देखो ऑरेंजेस, मैंगोज, है ना, ई एस लगा हुआ आगे। तो फिर से देखो, नाउंस दैट शो मोर देन वन आर कॉल्ड प्लूरल नाउंस, प्लूरल नाउंस यूजुअली एंड इन एस और ई एस, लाइक बुक्स, ऑरेंजेस, मैंगोज एक्सेट्रा। ठीक, ये हो गए प्लूरल नाउन। इसको भी नोट करने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज पे काम करते हैं। एक्सरसाइज पे करने के लिए आप लोग बुक का पेज नंबर 20 ओपन करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर ये एक्सरसाइज के अंदर क्या करना है कि इधर ये सिंगुलर नाउन दिए गए हैं और ये उनके प्लूरल नाउन दिए गए हैं, उनके साथ उनको मैच कराना है। ठीक है, अब जब देखो ये पेंसिल सिंगुलर नाउन है तो नेचुरली एस लगा होगा, तो ये देखो ये पेंसिल्स, इसके साथ इसको मैच करा दिया। बुक, तो बुक्स, ये देखो ये मैच कर गया इसके साथ। एरोप्लेन और एरोप्लेन्स, ऑरेंज और ऑरेंजेस, हो गया। बॉक्स, बॉक्सेस, बफेलो, तो बफेलोज, मैंगो, मैंगोस, ये हो गया। टॉवल, टॉवल्स, ये हो गया। क्लिप, क्लिप्स,
हो गया, फिर ग्लास और ये ग्लासेस, ठीक है। ये तो आप भी बिना देखे भी आप कर सकते हो ना, जो इधर से सिंगुलर नाउन है जिसमें एस या ईएस लगा हो वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। कॉपी पे काम कर लेंगे, ये वाला काम करेंगे और उसको लर्न भी करेंगे, याद भी साथ साथ करते चलेंगे, एग्जाम आएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए बाय।